बिहार की राजधानी पटना और पटना में एक जगह है मनेर। वैसे तो मनेर का मनेर शरीफ दरगाह भी बहुत दूर दूर तक प्रचलित है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दुआएं मांगने के लिए। मगर उसके अलावा जो मनेर जगह है, मनेर के लड्डू भी बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं। आज मनेर का जो लोकल लड्डू है वो एक तरीके से ग्लोबल लड्डू हो गया है। वैसे तो बूंदी का ही लड्डू बनता है, बेसन का ही, मगर किस तरीके से वो विश्वविख्यात हो गया है, क्या खासियत है और इसका क्या शाह आलम, जो कि एक दौर में हिंदुस्तान के शासक रहे, उससे क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम यहाँ आए हैं। तो हमने पता करने की कोशिश की है, जानने समझने की कोशिश की है, आप सभी के लिए उसे दर्ज किया है। दिल्ली के तख्त पे उस समय शाह आलम बादशाह हुआ करते थे। वो अपने पीर से मिलने के लिए, मनेर शरीफ पीर से मिलने के लिए इमली के दोनों पर लड्डू लेकर आए थे, नुक्ती का लड्डू जो कहा जाता है। जो पीर हुए मखदूम शाह दौलत मनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे मिलने आए, उनको भी पसंद आया लड्डू। ये जो मनेर स्वीट्स हुआ, बताया गया कि मनेर स्वीट जो बहुत पुराने इनके दादा परदादे के समय उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी, जो आज वर्ल्ड फेमस पर मनेर का लड्डू बताया जाता है, मनेर शरीफ का लड्डू। यहाँ पर राजेश सुपड़ी में जो लालू प्रसाद हुआ करते थे, विशेष रूप से इस रोड से आते थे और मनेर का लड्डू पसंद करके यहाँ से ले जाते थे। पहले तो इसको तैयार किया जाता है, दाल सुखाया जाता है, फिर उसके बाद सुखाया जाता है, उसके बाद मिल में पिसाया जाता है, उसके बाद फिर घोड़ते हैं, घोड़ने के बाद उसके बाद छानते हैं, छानने के बाद फिर उसके बाद चाशनी बनाते हैं, चाशनी में फिर उसके बाद कलर डालते हैं, कलर डालने के बाद फिर दाना डालते हैं, दाना डाल के बाद भी सेट हो जाता है, उसके बाद डालते हैं बिया डालते हैं, किशमिश डालते हैं, काजू लगा के बांधते हैं। मनेर का लड्डू ही प्रसिद्ध है और जो सही क्वालिटी देगा उसका प्रसिद्ध ही होगा। मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, अभिनेता नेता सबको यहाँ आके खाए हुए लड्डू। इस लड्डू का टेस्ट जो है कि पूरे पटना इलाका में नहीं मिलता है, इसकी वजह से हम यहाँ लेने आते हैं। बच्चे बूढ़े सारे पसंद करते हैं इसको, काफ़ी टेस्ट होता है, इसकी वजह से इतने दूर से आना पड़ता है लेने के लिए। यहाँ के अगर लड्डू सुबह खा लीजिएगा तो शाम तक वो लड्डू का ही टेस्ट आते रहेगा, जब भी ढेकान मारिएगा तो एक टेस्ट आएगा यहाँ का ही लड्डू का, इसीलिए यहाँ का प्रसिद्ध है। इसे भी